हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाली रोसुटर गोल्ड 10/75 mg टेबलेट्स के बारे में। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया जाता है, कितने दिन यूज होते हैं, यूज करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसके अंदर क्या कंपोजिशन डलेगी और किस प्रकार काम करता है, उसका डोज और डोजन कितना होना चाहिए। तो रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बन रही। चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किया, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि जब भी को नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। इस वीडियो में दी हुई जानकारी केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह लें। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवाई का उपयोग करते हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट, जो कि हमारे पास 15 गोली का स्ट्रिप्स है, जिसकी MRP की बात करें उसकी MRP टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास स्ट्रिप्स है उसकी MRP 350। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट को अजंता फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट के अंदर कंपोजिशन की बात करें तो उसके अंदर कंपोजिशन से रोसु एस्टेटिस एस्प्रिन एंड क्लोबिडोग्रिस टेबलेट इसके अंदर डाले गए हैं। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट का यूज के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल हार्ट अटैक के इलाज के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का इस्तेमाल हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने के खतरे को कम करने के लिए टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का इस्तेमाल दिल का दौरा रोकने के लिए ये टेबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का डोज और डोजेंस की बात करें तो उसका डोज और डोजेंस आपकी एज, वेट और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी एज कितनी है, वेट कितना है, कंडीशंस कैसी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इसका डोज और डोजेंस कितना होना चाहिए। उसका डोज और डोजेंस अपने डॉक्टर की देर में इस्तेमाल करिए। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट में हो सकता है पेट में दर्द होना, अपच होना, कमजोरी होना, हेडेक होना, मांसपेशियों में दर्द होना, डायरिया, दस्त होना, मिचली आना, तो ये कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का इस्तेमाल अपने डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वर्क्स। रोसुटर गोल्ड टेबलेट्स, रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स के अंदर तीन दवाई रहती है, यानी कि एस्पिरिन, रोसुएस्टेरिन, क्लोबिडोग्रिस, जो हार्ट अटैक्स को रोकता है। एस्पिरिन और क्लोबिडोग्रिस एंटीप्लेटलेट्स मेडिसिन से वे प्लेटलेट्स को एक साथ चिपकने से रोककर काम करते हैं और हानिकारक ब्लड के थक्के के निर्माण को कम करते हैं। रोसुएस्टेरिन एक लिपिड कम करने वाली मेडिसिन से जो बॉडी की खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL बनाने की क्षमता को ब्लॉक करती है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL के स्तर को बेहतर बनाती है। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स को यूज करने के पहले अपने जनरल फिजिशियन फेमिली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस टेबलेट्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिए वहाँ पर बताएं। रोसुटर गोल्ड 10/75 टेबलेट्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज और नॉलेज लिए था। कोई भी टेबलेट्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।